हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल्स जो अलाउ करते हैं हमें रिमूव करने में दोषिक एनर्जीज। इसके लिए बेस्ट टाइम है सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि स्टार्ट होता है सुबह 3:30 AM से और लास्ट रहता है 5:30 AM तक। इस वक्त उठने से आप अपनी दोषिक एनर्जीज को रिमूव करते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा के अनुसार 3 दोषिक एनर्जीज होती हैं, पिता, कपा एंड वता, जो कि पूरे दिन में डोमिनेट होती हैं डिफरेंट आवर्स में। अब जैसे कि मुझे वता दोष है, इसके लिए पीक आवर्स में उठना जरूरी है। वो स्टार्ट होता है 2 AM से 6 AM तक। जैसे ये जरूरी है अपने घर को साफ करना, वैसे ही जरूरी है हमें अपनी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करना। इसके लिए परफेक्ट है 1 ग्लास वाटर कंज्यूम करना, वो भी एम्प्टी स्टोमक। तो आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम पानी को खड़े होके नहीं, बैठ के पीते हैं, वो भी मलासन में, तो ये हेल्प करता है इजीली हमारे सिस्टम को फ्रेश करने में। तो अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो अपने कॉन्स्टिपेशन इश्यू से, तो ये परफेक्ट आसन है आपके लिए, जिसमें बैठ के आप अपने पानी को पी सकते हैं और थोड़ी देर बैठे रहने के बाद आप थोड़ा वॉक करें। इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम अपने आप को इतना फ्रेश और रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त की एनर्जीज होती हैं वो हमारी बॉडी को मिल रही होती हैं, जो हमारी माइंड, बॉडी और सोल को नरिश कर रही होती हैं। और जबकि इस वक्त को हम पूरे साल अपने सोने में गंवा देते हैं। अगर हमारा सिस्टम ही फ्लश आउट नहीं होगा, तो आप अपनी बॉडी, माइंड को बिल्कुल भी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है शुरुआत करें थोड़ी देर बैठने की। अगर आप फील भी ना करें तो भी आप बैठें। ऐसा करके आप 1 से 2 दिन में ही देखोगे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर रही है और आपका सिस्टम टाइम पे फ्लश आउट हो जा रहा है। पर ये ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन को लेके ना जाएं। ऑयल पुलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल है आयुर्वेद में, तो इसे हमें ब्रश करने से पहले करना चाहिए। अब इसके लिए मैंने तो रेगुलर कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया है, पर आप चाहें तो हर्बल मार्केट बेस्ड ऑयल पुलिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस करना इतना है कि 1 स्पून ऑयल लेके माउथ वॉश की तरह आपको इसको यूज़ करना है। पर इस बात का ध्यान रहे कि आपको ऑयल कंज्यूम नहीं करना है। ऐसा करने से आपके टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया आपको इनडाइजेशन दे सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग आयुर्वेद के अनुसार हर दिन 2 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। हमारी मॉर्निंग डेली एक्टिविटी का पार्ट है टूथब्रश करना, पर इसी के साथ हमें क्लिंस करने चाहिए अपने सेंसेस भी। तो आयुर्वेदा के अनुसार हमें टूथब्रश ऑयल पुलिंग के बाद ही करने चाहिए, ना कि ऑयल पुलिंग से पहले। और अगर आप चाहें तो अपने रेगुलर टूथपेस्ट को स्विच भी कर सकते हैं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट से। मैं इसी की बात कर रही हूँ टंग स्क्रैपिंग, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल का पार्ट है। ये हेल्प करता है रिमूव करने में बैक्टीरिया और इम्प्रूव करता है बैड ब्रेथ को। वैसे तो ट्रेडिशनली कॉपर टंग स्क्रैपर्स यूज़ किए जाते हैं, पर आप चाहें तो रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेस्ट है लेमन वाटर को कंज्यूम करना एम्प्टी स्टोमक। तो इसमें मैं लेमन स्क्वीज कर रही हूँ और इसी के साथ इसमें मैं हनी भी ऐड करूँगी, जिससे इसका स्वीट टेस्ट आए और ये पीने में और भी टेस्टी लगे। तो इसे आप रेगुलर पी सकते हो। आयुर्वेद में ड्राई ब्रशिंग को बोला जाता है गर्शना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्निंग रिचुअल है आयुर्वेद में, जिसे परफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। तो इसे डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है, इसीलिए आयुर्वेद में ये मॉर्निंग रिचुअल का पार्ट है। और इसे करने से हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज भी क्योर होते हैं। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से हमारी सौंदर्य में बल मिलता है, ऐसा सेम टू सेम लिखा है आयुर्वेद में, जो कि मैंने भी पढ़ा है कुछ आयुर्वेदिक बुक्स में। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने से हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ब्यूटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये जरूरी है ड्राई ब्रशिंग करने के बाद गुनगुने पानी से नहाना। मुझे तो रेगुलर डेज में भी वुडन कॉम यूज़ करना पसंद है, क्योंकि इन्हें यूज़ करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है स्काल्प में, और ये फ्रिज और फ्रिक्शन से भी दूर रखते हैं। अब इसी के बाद मैं करूँगी आयुर्वेदिक स्किन केयर। तो पावरफुल आयुर्वेदिक विजडम को इन्हांस करते हुए यूज़ कर रही हूँ टैक एक्ने एंड स्पॉट्स करेक्शन फेस सीरम। इसमें इलादी नीम की गुडनेस है, जो इसे बहुत लाइट वेट और नॉन ग्रीसी बनाता है। आप जैसे आयुर्वेदिक रिचुअल्स फॉलो करें तो ये ग्रेट एक्सपीरियंस है बेनिफिट्स लेना आयुर्वेदिक स्किन केयर के। तो ये फॉर्मुलेटेड है कॉम्बैट एक्ने से, जो रिड्यूस करते हैं ब्लमशेज और प्रमोट करता है
रेवन स्किन टोन। ये फास्ट एब्जॉर्बिंग एंड नॉन केमेडोजेनिक है जो अश्योर करता है स्किन को फ्रेश, रेडियंट एंड एक्ने फ्री बनाने में। ये है टैक इलादी सनस्क्रीन मैटिफाइंग एसपीएफ 50। इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड पीए ट्रिपल प्लस की प्रोटेक्शन है जो हार्मफुल यूवी एंड यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करता है। मुझे ये वाकई में बहुत पसंद है क्योंकि ये ऑयल फ्री प्रोटेक्शन देता है जो कि नॉन ग्रीसी, वेटलेस और ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इसे मॉर्निंग टाइम में भी लगा रही हूँ क्योंकि जरूरी है हमें इंडोर में रह के भी अपने स्किन को प्रोटेक्ट रखना। तो ये पावरफुल फेस सीरम एंड सनस्क्रीन आपको देता है फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से आप ले सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यंगा मसाज आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल है जो एक्सप्रेशन है सेल्फ लव का, पर बियॉन्ड दिस इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि नरिश करता है बॉडी एंड स्किन को, रेगुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन, एलिमिनेट करता है इम्प्योरिटीज और बैलेंस करता है बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को। इसे एक मेडिटेशन की तरह ही प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने हाथों का मूवमेंट फील करते हुए ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस लेना चाहिए अपने फ्लो ऑफ सेंसेशन ऑफ ब्रेथ का जो आपको रिलैक्सेशन देगा। माइंड और अपनी सोल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज़रूरी है मूव, ब्रेथ एंड रिफ्लेक्ट। मैंने मेडिटेशन करना प्रेफर किया नहाने के बाद। मुझे ऐसे लगता है अगर हम नहाने के बाद करते हैं तो हम ज़्यादा माइंडफुल होकर प्रैक्टिस कर पाते हैं मेडिटेशन। इस वक्त आप मेडिटेशन करने के साथ योगिक आसना कर सकते हैं और साथ ही में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी। तो योगिक आसना आपका स्टिमुलेट करेगी डाइजेस्टिव फायर और प्रिपेयर करेगी आपकी बॉडी को हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए। मेडिटेशन हमारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करता है जिससे हम ज़्यादा रिफ्रेश्ड और काम फील करते हैं। तो एक बेहतर बॉडी को अचीव करने से पहले ज़रूरी है एक बेहतर माइंड को अचीव करना, तो इसके लिए ज़रूरी है आप डेली प्रैक्टिस करें मेडिटेशन। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ज़्यादा देर तक मेडिटेशन करना है, आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मेडिटेशन पे फोकस करना है। अब मैं करूंगी दोष बैलेंसिंग ब्रेकफास्ट। तो आयुर्वेदा के अनुसार फूड को मेडिसिन माना गया है, तो आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ये ना केवल आपकी बॉडी को नरिश करेगा बल्कि आपके एंटायर लाइफ को शेप देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आपको मेरी तरह वता दोष है तो प्रेफर करें ऑटमील ब्रेकफास्ट में। वैसे मैंने तो स्वीट ऑटमील बनाया है लेकिन आपको यहाँ मैं स्पाइसी ऑटमील रेसिपी दे रही हूँ जो कि वता दोषामुक्त रेसिपी है। अगर आपको ओट्स नहीं पसंद तो आप फिर रूट वेजिटेबल्स खा सकते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटोज, कैरेट, बीट रूट, पर कोशिश करें कि आप ये वार्म फॉर्म में खाएं, मतलब कुक्ड फॉर्म में, ऐसे रॉ फॉर्म में ना खाएं। आयुर्वेद के अनुसार तीन दोष पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। पहला होता है वता दोष जो कि वायु से रिलेटेड होता है, पित्त दोष जो कि फायर और वाटर से रिलेटेड होता है, कफा दोष जो वाटर एंड अर्थ से रिलेटेड होता है। और अब जैसे कि मुझे वायु दोष है मतलब वता दोष, ऐसे ही आप में भी कोई ना कोई दोष जरूर होगा। दोष मतलब होता है कोस प्रॉब्लम जो हम सभी की बॉडी में होती है। अब बस आज के आयुर्वेदिक मॉर्निंग रिचुअल्स को कंप्लीट कर रही हूँ जर्नलिंग से, तो बस मैं सिंपली अपने थॉट्स को राइट डाउन कर लेती हूँ और उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ मोर क्लियरली। और इस टाइम 7:30 हो रहे हैं तो मतलब सुबह से मैंने कितना कुछ कर लिया। आज की सुबह तो मेरी बहुत क्वालिटी और प्रोडक्टिव रही और अब बाकी का दिन भी बचा है बहुत कुछ करने के लिए। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपने इंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा किस तरह से आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो अगर आप फॉलो करने वाले हो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय गाइस, आई लव यू।